दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने इसके पहले डिफरेंशिएशन का पूरा वन शॉट लेक्चर बना दिया, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज उसे जाके देख लो, जिससे कम टाइम में पूरा का पूरा पार्ट आप रिवाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट में आप लिमिट से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा ये जो पूरा लेसन अगर आप देखोगे तो बहुत लेंथी लेसन है। अब इतने सारे टोटल 7 एक्सरसाइज हैं और इतने एक्सरसाइज के बाद समझ में नहीं आता कि सर कौन सा सम प्रैक्टिस करूं, कौन सा वाला प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे वैसे ही सम मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिससे आपका पूरा का पूरा लिमिट्स में अगर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो ये तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड लिमिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजिली हैंडल कर सकते हो। अब देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे अभी देखो यहाँ पे आपको लिमिट्स का बेसिक यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, लिमिट्स जेड टेंस टू माइनस थ्री और अंडर रूट ऑफ जेड प्लस सिक्स और यहां पे है दोस्तों जेड। लिमिट में सबसे पहला चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हमेशा चेक करने का लिमिट का डिनोमिनेटर, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों यही आपको चेक करना है। यहां पे देखो माइनस थ्री है, अब यहां पे ये वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद यहां पे आंसर क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो आपको कोई मेथड अप्लाई करना होगा, जैसे अलग अलग आपने मेथड पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, देन इसका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पढ़ा होगा, न्यूमरेटर को भी हम करते हैं कॉन्जुगेट लेके, तो ऐसे आपने बहुत सारे मेथड अलग अलग पढ़े होंगे, फॉर्मूले के ऊपर हम जाते हैं तो। पर यहां पे अगर जीरो नहीं आया तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो। तो याद रखना हमेशा अगर यहां पे जीरो आ गया तो आपको कोई मेथड अप्लाई करना, जैसे यहां पे जीरो नहीं आ रहा, माइनस थ्री आ रहा तो आप पुट कर सकते हो, तो डायरेक्ट इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर लो। तो हमेशा अगर आपके एग्जाम में कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आया तो फर्स्ट स्टेप तो ये चेक कर लेना। अब देखो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, जब हम पुट करते हैं उस टाइम हम लिमिट नहीं लिखते। अब जहां जहां पे यहां पे देखो यहां पे जेड है तो जहां जहां पे जेड है वहां पे वैल्यू पुट करना, अगर यहां पे एक्स होता तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे ये पुट करना होता। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अंडर रूट ऑफ ये क्या आएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स और अपॉन क्या माइनस थ्री, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों क्या आएगा थ्री और यहां पे क्या माइनस थ्री, और आपका इसका कैलकुलेशन आपको पता ही है कि अगर ये अंडर रूट थ्री है ये माइनस है इसे रखो, ये थ्री मतलब क्या होता है दोस्तों, थ्री मतलब क्या होता है अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री। मैं जानबूझ के पूरा बेसिक से कैलकुलेशन कंप्लीट करा रहा हूं, हो सकता है कि कुछ बच्चे पूरे साल भर कुछ भी नहीं किए हो तो उन्हें सब चीजें समझ में आए, ये कैंसल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर कुछ ये माइनस साइन हमेशा ऊपर ले लो, माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो यहां तक आप चाहो तो इस आंसर को चेंज भी कर सकते हो, पर यहां तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन का आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। ये टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एक कोरोलरी के ऊपर है। अब सर आप हमें बता सकते हो कोरोलरी कौन सा है, तो दोस्तों एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, याद हो गया एक्स ए एक्स ए एक्स ए याद रखो और रेस टू एन है, और नीचे भी दोस्तों सेम आएगा एक्स माइनस ए, देखो सेम, और यहां पे लिमिट ऑफ ये याद रखना एक्स टेंस टू ये ए आएगा, जहां पे अगर समझो यहाँ थ्री है तो यहाँ थ्री होगा, यहाँ फोर होगा तो फोर होगा। अगर ऐसा है तो आप उन डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे, देखो मैं एक हिंट दे रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये वाले टर्म में ये जो टर्म है बस उसमें क्या करने का माइनस वन ले लेने का, और उसके आगे ये वाला टर्म एक बार लिख देने का, हो गया। तो अगर आपका इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ये कोरोलरी से आंसर लिख सकते हो, और इस तरह के कोरोलरी का मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना चाहिए। अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं लिमिट वाई टेंस टू माइनस थ्री और y रेस टू फाइव प्लस टू फोर्टी थ्री और y क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन, ठीक है। अब यहां पे मैंने जो क्वेश्चंस लिखे दोस्तों आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहां पे क्या आएगा लिमिट y रेस टू माइनस थ्री, अब देखो इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। कैसे पता चला कि इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, देखो रेस टू में कोई नंबर आया तो तुरंत समझ जाना कि ये कोरोलरी वाला क्वेश्चन है, रेस टू में फाइव आया सिक्स आया थ्री आया फोर आया, तुरंत समझ जाना। अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, आपको कुछ सोचना भी नहीं है, देखो ये देखो मैं बता रहा हूं वाई रेस टू फाइव आपने लिखा, ये नंबर्स रेस टू ये सब फाइव ये सब कुछ टेंशन ही मतलब, यहाँ पे नंबर कौन सा है दोस्तों माइनस थ्री है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस थ्री लिखो, यहाँ क्या फाइव है तो डायरेक्ट फाइव लिखो। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे ना डायरेक्ट ये नंबर मिलेगा, अगर आप थ्री को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करो देखो यही नंबर मिलने वाला है। और याद रखना ये हमारे फॉर्मूले में बीच में क्या है दोस्तों माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, अगर इसका आंसर निकालोगे तो माइनस टू फोर्टी थ्री आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
मैंने बोला कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, देखो नीचे भी वैसे ही कर दो, y क्यूब किया, यहां पे जो नंबर है यहां पे क्या है माइनस रूट थ्री है, अब यहां पे क्या है क्यूब है, तो आप बाजू में यहां पे भी क्या ले लोगे क्यूब और यहां पे माइनस। अब थोड़ा बहुत हमारे फॉर्मूले की तरह दिखने लगा, बस प्रॉब्लम ये कि हमारे फॉर्मूले में ये है उसके नीचे x माइनस ए हम लेते हैं, तो यहां पे उसके नीचे क्या चाहिए y माइनस माइनस थ्री, तो आप बस एक लाइन लिख दो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y माइनस माइनस थ्री, बस ये चाहिए। अब y माइनस माइनस थ्री दोस्तों बस आपको चाहिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट बहुत इजी लगने लगेगा आपको लेसन, बस आप अच्छे से ध्यान से मेरी बातों को सुनो। अब देखो यहाँ पे y रेस टू फाइव है माइनस माइनस थ्री रेस टू फाइव, अब इसे भी मैं इससे डिवाइड करूंगा y माइनस माइनस थ्री, सेम यहाँ पे जो मेरा डिनोमिनेटर है उसे भी दोस्तों मैं क्या करूंगा y माइनस माइनस थ्री। अब मैंने यहाँ पे पुट किया, और एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप ऐसा कटिंग कर रहे हो, देखो मैं ये दोनों कट कर रहा हूं, अब यहां पे तो कट करूंगा क्या बताओ, यहां पे तो मैं कट नहीं करूंगा, जैसे अभी बहुत सारे लोग आएंगे इसको कट करने चालू कर देंगे, पर यहां पे अपने को कट करना है नहीं, यानी तो फिर आप लेने का मतलब क्या हुआ आपका। तो आपने यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिया, देखो यहाँ पे आपने ये पूरा का पूरा टर्म लिया, हाँ बहुत सारे टीचर्स लोग लिमिट्स ऊपर भी लिखवाते हैं नीचे भी लिखवाते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा तो इसका आंसर आपको पता है, ये पूरा का पूरा पार्ट है, देखो ये आपका एक नीचे अलग सा फॉर्मूला बन गया, तो ये पूरा का पूरा पार्ट है इसका भी आंसर आपको पता है, मतलब यहाँ पे दो बार कोरोलरी हमें मिला है। बस यहाँ पे एक स्टेप आप लिख देना, जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या लिखना पता है, ये देखो ये वाला स्टेप वाई टेंस टू माइनस थ्री, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे y इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री, और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे दोस्तों y माइनस यहां पे आएगा माइनस थ्री विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने जानबूझ के इसको प्लस थ्री नहीं लिखा क्योंकि अपने नीचे ऐसा है तो आपको इसी तरह से रखना है। अब ये रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसके बाद, अब देखो आपको ऊपर वाले टर्म में डायरेक्ट कोरोलरी अप्लाई करो, तो मैंने बोला कि ये वाला डायरेक्ट लिख दो, देखो यहाँ पे क्या है एन है, ये पहले कोरोलरी लिखना होगा देन आंसर लिखना होगा, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन कितना है दोस्तों फाइव है, अब ए कितना है दोस्तों माइनस थ्री है, देन एन माइनस वन मतलब फाइव माइनस वन कितना होगा फोर, सेम नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई करो दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से इस तरह से अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको एक लिमिट्स का पूरा आइडिया आ जाएगा कि मुझे कितने सम सॉल्व करने, और ज्यादा से ज्यादा मैं 10 से 12 क्वेश्चन में आपका पूरा लिमिट करवा दूंगा। हाँ अगर आपको पूरे डीप में लेक्चर्स देखना है तो मेरे डीप लेक्चर्स देख लो, पर मेरे हिसाब से अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको यही लेक्चर्स देखना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद ये n का वैल्यू कितना है दोस्तों थ्री है नीचे वाले पार्ट में, देन यहां पे क्या आएगा a और n माइनस वन कितना है? अब आपने यहां पर लिखा देखो ये फाइव है, ये माइनस थ्री को फोर टाइम लिख रहा हूं, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री फोर टाइम लिखा, ब्रैकेट में ले लेना साइन बाजू बाजू में, दो दो साइन नहीं आने चाहिए, और ये थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस, अब देखो ये कैंसल हो गया। अब इतना पार्ट अगर कैंसल हो गया तो दोस्तों अब बचा क्या, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक थ्री और एक थ्री भी कैंसल हो गया, तो थ्री फाइव सा कितना होगा दोस्तों फिफ्टीन होगा, और एक चीज याद रखना माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कोई अलग से माइनस नहीं बचा, तो फाइनली इसका आंसर हमारा कितना है दोस्तों 15 आया। और इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है हैंडल करना है। अब देखो इसी तरह के क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं, अब यहाँ पे बस आपको समझ लेना है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर आप देखो रेस टू में फोर दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स रेस टू फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स टेंस टू वन है दोस्तों, अब यहाँ पे 4 है तो मैं 1 के रेस टू में 4 लिख सकता हूँ। अब देखो a रेस टू n सॉरी x रेस टू n a रेस टू n x माइनस a फॉर्मूला बन गया, देन यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू a x क्यूब है माइनस a क्यूब है, और यहाँ पे x माइनस a ये भी हो गया, मतलब मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है। अब सबसे पहले मैं अपना कोरोलरी लिखूंगा, कोरोलरी जो मैं यूज करने वाला हूँ x टेंस टू मैं यहाँ पे a x माइनस a रेस टू n और यहाँ पे x माइनस a इक्वल टू क्या आएगा n a n माइनस वन, तो ये फॉर्मूले का हम क्या करने वाले हैं प्रॉपर यूज करने वाले हैं। मैंने बोला ना ये कोरोलरी आपको अच्छे से कर ही लेना है। अब क्या होगा दोस्तों ये इक्वल टू ऐसे ही रखो,
अब ये पूरे पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे देखो मैंने बोला ये वाला पार्ट आप लिखोगे तो यहाँ पे n कितना है आपका 4 है, बाद में a कितना है 1 है, 4 n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना 3, सेम यहाँ पे n कितना है दोस्तों आपका 3 है, बाद में a कितना है दोस्तों a कितना है आपका a है, और n माइनस 1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। डायरेक्ट मैंने कोरोलरी दोनों साइड में अप्लाई कर दिया, अब इसे आप डायरेक्टली खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यार वहां पे पॉसिबल वैल्यूज लिखा है मतलब आपको प्लस माइनस दोनों में आंसर देना है, 3 यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, ए स्क्वायर यहाँ पे है, देन नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4/3 और ए, और ये प्लस माइनस में अपने को आंसर देगा, देन फाइनली ए इक्वल टू प्लस माइनस 4/2 और √3 तो वैसे ही रहेगा, तो फाइनली द वैल्यू ऑफ ए हमें कितना मिला 2/√3 प्लस माइनस फॉर्म में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन भी उसी कोरोलरी का क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, तो डायरेक्ट दिया है तो देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट पहले क्या है कोरोलरी आप लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो फिर कोरोलरी लिखो फिर आंसर। एन कितना है दोस्तों एन, पर मैं चाह रहा हूं कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, एन ये क्या हो गया आपका दोस्तों एन के बाद ये क्या हो गया आपका ए हो गया, देन एन माइनस वन मतलब दोस्तों क्या आएगा के माइनस वन इक्वल टू ये 500 वैसे ही होगा। अब यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, देखो मैंने डायरेक्ट कोरोलरी का वैल्यू अप्लाई कर दिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना तो डायरेक्ट ये वाला वैल्यू मैंने अप्लाई कर दिया, ये कोरोलरी आपको लिखना है नहीं तो मार्क्स कट होगा। अब यहाँ पे आपने जैसे ये अप्लाई किया देखो ये क्या हो गया हमारा, ये ए है फाइ ए है और ये एन है, तो देखो एन ए एन माइनस वन। अब आपको इस तरह से ये वाले पार्ट को करना है तो कैसे करूं सर, थोड़ा सा हेल्प कर सकते होगा, तो सर तो हेल्प करने के लिए आए हैं, सर यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आए हैं दोस्तों। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है डिफरेंशिएशन का मेरा वीडियो याद से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अब इस नंबर को ऐसे दो पार्ट्स में मैं कैसे डिवाइड करूं, या तो मैं इसे कर सकता हूं अगर समझो मैं इसे करूं तो 5 × something मैं कुछ कर सकता हूं, पर मुझे ऐसा कुछ करना है कि रेशियो में 5 भी हो, मतलब यहाँ पे नीचे 5 आए, ऐसे पार्ट में मुझे इसे कन्वर्ट करना है, या तो मैं इसे 500 × 1 कर दूं, पर ये ऐसा 5 आना चाहिए, तो इसके लिए मुझे दोस्तों इसे क्या करना होगा पता है, मुझे पता है कि 125 ये 5 का क्यूब होता है, तो मैं 125 और यहाँ पे 4 ले रहा हूं। अब मुझे पता है मैं कोशिश करूंगा कि ये जो नंबर्स है ना इसको इसकी तरह बनाने के लिए, तो भाई मैं इक्वालिटी या बाय कंपेयरिंग कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे क्या है 5√k−1 है, अब देखो ये 4 ऐसे ही है जैसे यहाँ पे के है, और ये वाले नंबर्स को यहाँ पे भी 5√2 मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ 5 है तो यहाँ पे मैं 5 लेकर आ रहा हूँ, और 125 को 5 का क्यूब मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 × 5 = 25 एंड 25 को अगर 3 से 5 फिर से अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 125। देन दोस्तों आप देखो ये दोनों पार्ट सेम दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बाय इक्वालिटी कर सकता हूँ या बाय कंपेयरिंग कर सकता हूँ। अब बाय इक्वालिटी में आप डायरेक्ट के इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, या तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे इक्वेट कर दो, तो k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, देन k इक्वल टू 3+1 k इक्वल टू 4, इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे आपको 7 फॉर्म में ही चीजों को रखना है। अब यहाँ पे आपको कुछ सोचने की, बस ये जो यहाँ पे x है ना, ये √x है ना, इसे आप बस लिखते टाइम क्या कर देना x√1/2 और ये 7√1/2, बस आप यहाँ पे डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये देखो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा x³ और ये 7, यहां से ही पता चल जाता है 7 का क्यूब। अब बस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x−7 से डिवाइड करो और चुटकी में सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नीचे आंसर मुझे बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, अब देखो इसमें कोई कोरोलरी अप्लाई नहीं होगा, तो समझ में आ रहा है कि सर ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, 10th में पढ़ा है फैक्टराइजेशन, 11th में पढ़ा है फैक्टराइजेशन, अभी भी 11th में ही हूं मैं, ये सब तो मैं पढ़ा हूं, तो थोड़ा सा सर फैक्टराइजेशन में हेल्प हो जाए तो काम हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है, पर सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले चेक कर लेना है क्या नीचे 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर 2 है मैं जेड की जगह पे 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 − 4 = 0 आ रहा है, इसलिए फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो मैं फैक्टराइजेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको सिखा दे रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो मैं जेड रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं जेड रख रहा हूँ, यहाँ पहला साइन है माइनस, दूसरा साइन है प्लस, पर ऐसे नहीं लिखते हम, दोनों को रीड करते हैं, दूसरा लिखते टाइम माइनस प्लस माइनस। एक नॉर्मल सा बच्चा होगा जो कभी नहीं पढ़ रहा होगा, आराम कर रहा होगा, वो भी मेरा लेक्चर देख के समझ सकता है। एंड देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो नंबर क्या है 6 है,
साइन क्या है दोस्तों, प्लस है। अब ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्लस करके दोस्तों फाइव आना चाहिए, क्या करके आना चाहिए, प्लस करके। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करके सिक्स आए और प्लस करके फाइव आए, तो सिक्स वन जा सिक्स होता है, पर अगर प्लस करूंगा तो सेवन हो जाता है, तो सर ये चलेगा नहीं। थ्री टू जा सिक्स होता है, प्लस करके फाइव हो जाता है, सर क्या बात है आपने दे दिया, तो थ्री टू जा। और कभी भी दोस्तों याद रखना ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अगर इस तरह से और यहां पे कोई स्क्वायरिंग वाला नंबर है, मतलब ये फोर किसका स्क्वायर है दोस्तों, टू का। चलो एक स्टेप में मैं ऐसे लिख देता हूं जेड स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, और कभी भी अगर इस तरह से आया तो इसको एक बार आप प्लस में एक बार माइनस में, सेवेंथ एट में पढ़ा है आपने। अब यहां पे देखो मैं इसे कैसे कर रहा हूं, मैंने इसलिए बोला अगर आपने छोटी क्लास अच्छे से पढ़ी है, पर टेंशन मत लेना, गिरी टूटल का ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको सभी तरह से मदद करेगा। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक बार जेड प्लस टू और एक बार जेड माइनस टू। अब जो जिसकी वजह से हमारा आंसर जीरो आ रहा था उस पार्ट का अपने को क्या कर देना है, मर्डर कर देना है। अब देखो ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है। जब आप कैंसिल करते हो तो उस टाइम पे आपको एक स्टेप लिखना है, पेनल्टी भरना है, अगर ये नहीं लिखोगे मार्क्स कट हो सकता है। देखो ये सेम टू सेम मैंने लिखा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये यहाँ आएगा माइनस टू, चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू टू। इसका मतलब टेंस टू का मतलब क्या होता है कि जो जेड का वैल्यू है वो नियरर टू टू है, मतलब 1.99999, पर वो इक्वल टू टू नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने नॉट इक्वल टू लिखा, अब फिर इसी को मैं अगर यहाँ पे ले लू नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा। और हमेशा याद रखना दोस्तों कैंसल कौन सा पार्ट होगा, यहां से आप दिमाग लगा सकते हो, यहां से देखो टू यहां पे आएगा तो जेड माइनस टू, तो समझ जाना जेड माइनस टू कैंसल होगा। अब देखो यहाँ पे अब जो पार्ट कैंसल हो गया बचा क्या, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू टू, अब देखो जेड माइनस वन जेड प्लस टू। अब हमें अब आप नीचे देखो, अब आप नीचे देखोगे, अब नीचे वैल्यू पुटअप डिनोमिनेटर में करने पर जीरो आ रहा है क्या, देखो अगर मैं यहाँ पे टू पुट कर रहा हूँ टू टू फोर आ रहा है, तो फाइनली अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, तो टू माइनस थ्री टू प्लस टू, तो फाइनली दोस्तों माइनस वन अपॉन फोर। बहुत सारे बच्चों को ये पुटिंग का वैल्यू भी नहीं पता था कि ये हमें सर आज समझ में आया कि ये वैल्यू कैसे पुटअप करते थे, इसके पहले समझता नहीं था कि मेरे सर कब वैल्यू ये पुटअप कर देते थे, क्या करते थे, आज सर बहुत अच्छे समझ में आए। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना चले जाए, कम से कम टाइम में आपके लिमिट्स को मैं कवर कर दूं। और मेरा ये लिमिट्स का लेक्चर देखने के बाद एक चीज याद रखना, जब मैं ट्वेल्थ के क्वेश्चंस देता हूं तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पर इलेवंथ की चीजें मैं बता दूं, इलेवंथ के क्वेश्चंस का क्या फंडा है पता है, जो आपके टीचर्स पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन वो एग्जाम में देंगे। अब मुझे नहीं पता कि किसी के टीचर ने पता चला एक्सरसाइज एक ही पढ़ाया, कहीं कहीं पर लिमिट्स कैंसिल कर दिया है बहुत सारे कॉलेजेस ने, पर मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अभी जब जो बच्चे ग्रेजुएशन में गए उनको इससे रिलेटेड लेसन आया, तो पूरा का पूरा एक सेमिस्टर उनका आधा पार्ट इस पे था। जैसे अगर मुंबई वालों को तो नहीं था, पुणे वालों को पहला लेसन उनका इसी से रिलेटेड था, वहां पे हमें जैसे कंटिन्यूटी इसके बाद वाला लेसन उससे रिलेटेड ही पार्ट था, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, भले आपके अगर एग्जाम में कैंसिल है टॉपिक तो भी चलेगा, पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अब उसमें से आप अपने सब कुछ मैं आपको कवर करके दे दे रहा हूँ, फिर आप देखो कि आपके टीचर ने क्या पढ़ाया है, फिर वो वाले टॉपिक पे आप ज्यादा ये करना। वैसे तो मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कोरोलरी अच्छे से कर लो। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे इसके फैक्टर्स निकाले हमने ऊपर, वैसे सेम इसके फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, नीचे वाले की भी निकाल सकते हो, और उसमें से कौन सा वाला फैक्टर कैंसिल होगा यहीं से आप दिमाग लगा सकते हो, एक्स माइनस थ्री वाला, ये दोनों में x माइनस थ्री के फैक्टर्स कंपलसरी आएंगे, और फिर उसे क्या कर दो आप कैंसिल कर दो, किसी का मुझे फोन भी आ रहा है, तो उसे आप कैंसिल कर दो और सिस्टमैटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मुझे बताना इसका आंसर क्या है। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे क्यूब वाला पार्ट है, क्यूब वाली चीजें भी मैं आपको करा देता हूं। देखो क्यूब वाले पार्ट में देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू टू है ना, सबसे पहले आपको मैं एक सच्चाई बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसा आएगा और एक ब्रैकेट ऐसा आएगा, फिर से हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहां पे दोस्तों यहां पहला वाला ब्रैकेट ना इससे रिलेटेड आता है x माइनस टू, और यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों x माइनस टू, ये वाला अपने को यहां से सॉल्व करके निकालना है। अब देखो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं x3 माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स,
और दूसरा दोस्तों एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेल्व। यहां पे ऐसे दो चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग बस ये दोनों को आपने नाइन्थ वाले मेथड से सॉल्व कर दिया। नाइन्थ क्लास में हमने एक मेथड पढ़ा था सिंथेटिक मेथड, उससे बस आप सॉल्व कर लोगे तो आपका ये पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इजी वे में बता रहा हूं। आप देखो यहाँ पे आप देखने का कि बारात में सब लोग आए हैं कि नहीं आए। अब यहाँ पे बारात कहां से स्टार्ट हुई थी, एक्स क्यूब से। एक्स क्यूब के बाद बारात में कौन आएगा, उससे लोअर लेवल पे कौन है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से लोअर लेवल पे कौन है दोस्तों, एक्स है। बाद में नंबर से यहाँ पे एक्स क्यूब आया है भाई, उनका कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मतलब वन है। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए था भाई, बारात में आए नहीं तो उनकी जगह पे हमें जीरो को लाना होगा। फिर इसके बाद एक्स वाले के माइनस सेवन आए और ये लास्ट में एक नंबर भी आया सिक्स। और यहाँ पे नंबर सर कौन सा लेना है, तो ये वाला ही नंबर लेना है, तो यहाँ पे टू लेना है। अब देखो ये वन नीचे आए, अब देखो ये वन डायरेक्ट नीचे ले लेगा। जैसे एप्पल गिरा हुआ था ना, पता होगा ना एप्पल किसके सर पे गिरा था, कॉमेंट करके बता देना। अब यहाँ पे वन आया, देखो टू वन सा टू। अब ये दोनों को प्लस माइनस करना है। अब यहाँ पे प्लस प्लस है तो डायरेक्ट टू आएगा, टू टू जा, ये देखो क्रॉस में है तो मल्टीप्लीकेशन, टू टू जा फोर। ये अच्छे से वीडियो में देख लेना। माइनस प्लस माइनस, सेवन माइनस फोर कितना होगा दोस्तों थ्री, और ग्रेटर नंबर का साइन। फोर टू थ्री जा कितना होगा सिक्स, एंड माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों जीरो। तो फाइनली ये वाला जो पार्ट मिला ये आपका फर्स्ट ऊपर वाले का पार्ट है। तो यहाँ पे लिख दो, देखो यहाँ पे माइनस थ्री लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों टू लिखा, और यहाँ पे वन। यहाँ पे एक्स इसके साथ आएगा और इसके साथ क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है। और ये वन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसके फैक्टर्स अगर निकल रहे तो निकालो, नहीं निकल रहे तो उतना ही रखना। सेम आप इसको करोगे, देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे माइनस सेवन है, यहाँ पे सिक्सटीन है, यहाँ पे माइनस ट्वेल्व है, और यहाँ पे क्या आएगा टू। बारात में क्योंकि सब लोग आए हैं, अब यहाँ पे ये वन नीचे आया, टू आएगा, माइनस फाइव आएगा, माइनस टेन आएगा क्रॉस में, सिक्स आएगा, ट्वेल्व आएगा, जीरो आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा सिक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस फाइव, और यहाँ पे वन। ये एक्स और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये बीच में माइनस है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर्स निकलेंगे। तो पहले आप इसके फैक्टर्स निकालो, देन इसके बाद आप वैल्यू पुटअप करना करने जाओ। अगर इसके कुछ फैक्टर्स निकल रहे तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहे तो जाने दो। और देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू पुटअप करने के बाद फिर से अगर समझो ये दोनों पार्ट का आंसर ये कट हुआ, और उसके बाद फिर भी वैल्यू पुटअप करने के बाद नीचे आंसर जीरो आ रहा है, तो डायरेक्ट आप लिख देना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आगे का पार्ट तो आपको आएगा, बस मेरे को ये बताना था इसके फैक्टर्स निकालने आपको आएंगे दोस्तों। इसके बाद अब देखो एक आपको इस टाइप के सम का भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये रूट वाले वाले पार्ट का एक प्रैक्टिस एक सम का हो जाना चाहिए। अगर इसका एक सम का प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बाकी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत ईजी है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ सिक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, और यहाँ पे क्या एक्स है। अब मैं फर्स्ट स्टेप से ही आंसर लिखना चालू कर दे रहा हूं क्वेश्चन के यहां ही से। आपको क्या करना है दोस्तों, जहां पे रूट है उस वाले पार्ट का आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे जो पार्ट है उसको सेम टू सेम, देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो सिक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट सिक्स सेम है, यहाँ पे भी दोस्तों सिक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी दोस्तों अंडर रूट सिक्स है। यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे हमने ले लिया, अब यहाँ पे लेने के बाद अगर सपोज ये कॉन्जुगेट ऊपर नीचे दोनों होता तो एक बार ऊपर वाले के लिए लिया, फिर अब नीचे वालों के लिए बाजू में एक बार और लेते, कोई दिक्कत नहीं है, दो बार ले लेते। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करके हाँ पहले अगर आप देखोगे तो पहले चेक कर लेना कि नीचे जीरो आता है कि नहीं, वो चीज तो आप पहला स्टेप फॉलो कर ही लेना। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, तो ऊपर देखोगे ये दोनों सेम है, मतलब ए है, ये दोनों सेम है मतलब बी है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ए माइनस बी या तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कभी भी अगर ऐसा आया और यहाँ प्लस है या माइनस है, अपोजिट साइन है, तो माइनस है या प्लस है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। मतलब ये देखो ये जो पहला वाला है ना, जो भी पहला टर्म होगा सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर,
इसका स्क्वायर माइनस दोस्तों दूसरे वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसे आपको इजीली लिख देना है। एंड दोस्तों इसके बाद नीचे वाला जो टर्म है उसको वैसे ही लिखो, क्योंकि यहाँ पे इनके प्लस और माइनस वाले पार्टनर्स नहीं है दोस्तों। सिक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ सिक्स। अब अगर ध्यान से देखोगे, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब यहां से आपको लिमिट्स बहुत इजी लगने लगा होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, सिक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस सिक्स आया। नीचे वाला पार्ट दोस्तों सेम होगा, सेम टू सेम सिक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ सिक्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिक्स सिक्स कैंसिल हो गया। अब ये सिक्स सिक्स कैंसिल होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ऊपर x और एक्स स्क्वायर बचा है, इसमें से भी मैं x बाहर ले ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, अंदर क्या बचेगा देखो, ये x और एक्स स्क्वायर है, इसमें से x बाहर चले गया, तो अंदर यहां से कुछ x बाहर चले गया तो कुछ नहीं है, तो वन है। और यहां पे दोस्तों x दो है, तो एक x बाहर चले गया तो एक x बचेगा, और नीचे एक x है। और दोस्तों ये जैसा है वैसे ही लिख दो, अंडर रूट ऑफ सिक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, याद हो गया मुझे, देन प्लस अंडर रूट ऑफ सिक्स। अब देखो सब में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कुछ कॉमन में इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक्स एक्स कैंसिल करना है, क्योंकि जीरो आ रहा है और जीरो इसी की वजह से आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और जब भी आप कैंसिल करते हो तो आपको पता है पेनल्टी भरना होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन इसके बाद अब आप देखो डायरेक्ट लिमिट पुट करो। अब यहां जहां जहां पे जीरो है देखो, यहां जहां जहां पे एक्स है वहां जीरो पुट कर दो, ये देखो जीरो पुट कर दिया। नीचे भी देखो ये सिक्स है, जीरो है, जीरो का स्क्वायर है, और ये भी सिक्स है, तो फाइनली ऊपर वन है, और ये अंडर रूट ऑफ सिक्स है, ये भी अंडर रूट ऑफ सिक्स है, तो वन अपॉन, देखो इसके आगे कुछ नहीं वन है, इसके आगे कुछ नहीं वन है, तो वन और वन कितना होगा दोस्तों, टू, और पीछे का सरनेम अंडर रूट ऑफ सिक्स, आगे आंसर। तो इस तरह से अगर रूट वाला भी कोई क्वेश्चन आया तो आपको इजिली सॉल्व करने आना चाहिए, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो ऊपर वाले पार्ट का डायरेक्टली आप कॉन्जुगेट ले लो, ये जो नीचे वाला पार्ट है मैंने बताया ये एक्स स्क्वायर और इसको थ्री स्क्वायर ले लो। नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का है, जैसे हमने फोर वहां पे फोर लिखा था तो टू का स्क्वायर लिया, देन यहाँ पे एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री कर दो और ऊपर भी सॉल्व कर दो, बाद में ऐसा कुछ होगा, कुछ कैंसिल होगा और आपका आंसर आ जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब बोलोगे सर ये तो बहुत हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है दोस्तों, एक बार आपको क्या करना है, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट लेना है यहाँ पे। अब ऊपर वाला यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस फॉर्म में आएगा, और इसी के जस्ट बाजू में आपको नीचे वाला का कॉन्जुगेट लेना है, यहाँ पे यहाँ पे। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे इसका इसके साथ एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और एक बार इसका इसके साथ फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे बताना है कि सर मेरा आंसर आया। अब दोस्तों नेक्स्ट है, आपको कुछ फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूं, जैसे कि थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू वन, साइन थीटा अपॉन थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू वन, एंड दोस्तों लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू जीरो, टेन थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू वन, एंड थीटा अपॉन टेन थीटा विच इज इक्वल टू वन। पर इसका मैं अच्छे से आपको थोड़ा इस फॉर्मुले को ना समझा के देना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा है अपॉन थीटा है, यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे थीटा टेंस टू जीरो है, इसका आपने आंसर वन लिखा। इसका मतलब यह हुआ, इस फॉर्मूले को ही बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये फॉर्मूला, यहां पे जो वैल्यू है वो सेम टू सेम वैल्यू दोस्तों यहां पे होना चाहिए। अगर ऐसा कभी दिखाई दिया तो डायरेक्ट अपन आंसर वन लिख सकते हैं, इतना अपने पास पावर है। अब देखो यहां पे सर थोड़ा सा ये समझा दो, ठीक है सर समझा दे रहे दोस्तों, ये देखो यहां कभी भी यहां पर समझो दोस्तों फाइव थीटा है और यहां पर थीटा है, अब बताओ नीचे क्या मिसिंग है, यहां पर फाइव थीटा है, मैंने क्या बोला था एक मेरा टर्म समझ लो, यहां पे जो वैल्यू होगा सेम नीचे होगा, तो सर यहाँ पे क्या मैं इसका आंसर वन लिख सकता हूँ, कभी नहीं लिख सकते, लिखोगे तो भाई चमचम खाना पड़ेगा। यहाँ पे फाइव थीटा है तो नीचे भी फाइव थीटा कंपलसरी चाहिए दोस्त, तो यहाँ पे फाइव थीटा कंपलसरी चाहिए, तो यहाँ पे मैं फाइव ले लिया, पर यहाँ तो मेरे पप्पा का तो राज चलता नहीं कि कुछ भी नंबर कहीं पे भी ले लू, तो भाई बैलेंस भी करना होगा। अब ये वाले पूरे पार्ट का अगर मैं आंसर चेक करूं तो ये पूरे पार्ट का आंसर मेरा कितना होगा, वन होगा, क्योंकि फॉर्मूला मुझे पता है और इंटू फाइव, तो फाइनली मैं आंसर क्या लिखूंगा, फाइव। सेम ऐसा सभी के लिए, अगर समझो यहां पे
चलो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं फिर आपको बताता हूं। अगर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू जीरो, अब देखो यहाँ पे साइन है, साइन लिख दिया, साइन एम थीटा है और यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन एन थीटा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय थीटा ले लूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वो आपको लाइन लिखना है, थीटा ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, थोड़ा सा तो सब सही हो गया पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने आपको प्रोसीजर सिखा दिया, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एम ले लो, एम से बैलेंस कर लो, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन ले लो, एन से बैलेंस कर लो, बस अभी दोनों जो आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले सब चीजें लिखना होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला ले रहा हूं, इसका आंसर वन होता है। देन यहाँ पे लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे टेन थीटा अपॉन थीटा है, इसका भी आंसर क्या होगा, वन होगा। ये सब आपने लिखा, देन यहाँ पे एक और चीज याद रखना, अब आपने यहाँ पे थीटा टेंड्स टू जीरो लिखा ना तो यहाँ पे एम थीटा टेंड्स टू भी यहाँ पे जीरो होगा और एन थीटा टेंड्स टू भी यहाँ पे दोस्तों जीरो होगा, ये चीज लिख लेना। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, ये पूरे वाले पार्ट का आंसर क्या था, वन था, साथ में क्या है दोस्तों एम है, ये वाले पार्ट का आंसर वन है और साथ में एन है तो फाइनली आंसर क्या आएगा, एम बाय एन हो गया। इतने इजी तरीके से आप चीजों को कवर कर सकते हो। यहाँ पे ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूं, जो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना जिससे आपके बहुत सारे स्टेप बच जाएंगे। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, याद रखना वन माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे जो एक्स है ये जब आप एमएसटी सीटी दोगे ना उसमें बहुत बार ये फॉर्मूला यूज होगा और इसका आंसर अगर आप डायरेक्ट आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है आपके बहुत सारे, क्योंकि ये सब में आपके बुक में थोड़े से अलग तरीके से सॉल्व किया रहेगा पर आपके बुक में एक्टिविटी फॉर्म में ये दिया हुआ है तो वहां से अगर आप उसका यूज करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अराउंड हमारा 32 मिनट्स का वीडियो हो गया है पर लगभग हम बहुत आगे तक पहुंच आए, बहुत अच्छे से हम चीजों को हमने कवर किया, इसलिए अब थोड़ा सा लंबा तो टाइम लगेगा इस लेसन के लिए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे अगर उसका स्क्वायर है, अगर समझो यहाँ पे 4x है तो नीचे क्या आएगा 16x स्क्वायर, अगर समझो यहाँ पे 8x है तो यहाँ पे क्या आएगा 64x स्क्वायर, अगर ऐसा है तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन आंसर क्या लिख सकते हैं 1/2। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो, अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 10x है, यहाँ पे क्या है 1 - cos x है। अब मैं यहाँ पे इसके बाद ही यहाँ पे स्टेप अप्लाई कर दे रहा हूँ, मैं क्या करूंगा पता है, मुझे पता है कि 1 - cos x है तो अपने को एक्स स्क्वायर चाहिए, या तो मैं ऊपर देखूंगा तो 10x के लिए एक x चाहिए और इस x को गैप करने के लिए एक x चाहिए, तो मतलब डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ये याद रखना, ये लाइन लिखना है ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो, अब देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 10x/x बचा और नीचे क्या हो गया 1 - cos x/x2, एक पूरा का पूरा फॉर्मूला है तो यहाँ पे आप दोनों फॉर्मूले लिखो, एक 10 वाला फॉर्मूला लिखो और ये वाला फॉर्मूला लिखो एंड देन फाइनली दोस्तों उसके बाद आप आंसर लिख सकते हो, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट का आंसर 1 है, नीचे वाले पार्ट का आंसर 1/2 है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा और ये 2 ऊपर जाएगा तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 2। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाते भी नहीं है, ये टाइप वाला क्वेश्चन ना बहुत सारे कॉलेजेस को पढ़ाया भी नहीं होगा, बट मेरा काम है कि मुझे हर टाइप की चीजों को बताना है इसलिए मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि सर ये क्वेश्चन पहचानते कैसे कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आपने हर क्वेश्चन के लिए हमें हिंट दे दिया कि हर क्वेश्चन मुझे पहचानने आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ये सब साइन थीटा ये सब तो समझ में आ रहा है बट ये क्वेश्चन भी कोसेक के टर्म में, तो पर यहाँ पे थोड़ा इसमें प्रोसीजर अलग लगेगा। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे जो टर्म है ना ऐसा कुछ यहां पे दिखेगा, देखो एक और मैं इस तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूं, देखो इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को आप देखोगे ना इसी तरह से रहेगा, देखो यहां पे जो टर्म है ना आई थिंक ये 7.5 एक्सरसाइज है, यहां पे देखो देखो यहाँ पाई माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स पाई ऐसा कुछ है, तो इस तरह से अगर चीजें दिखाई दी तो समझ जाना सर ये यही वाला एक्सरसाइज है, सेम यही वाला एक्सरसाइज है, ये आपको यहां पर क्या करना है समझ लेना है।
सॉरी थोड़ी देर के लिए मेरा आवाज जो है वो म्यूट हो गया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, चलो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो में आवाज जो है म्यूट हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको आपने एच ले लिया, देखो ये जो अंदर वाला पार्ट है एच ले लिया, पहला आएगा फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देन ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, अब मेरे को क्या करना है, ये पूरे वाले पार्ट को ना एच में कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है एच में, तो आपने इसको एच ले लिया। देन ये वाला देखो यहाँ पे एक्स दिख रहा है, तो यहां से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो एक्स वहां पे भेजो और एच अंदर भेजोगे, तो एच किस में हो गया माइनस में और एक्स किस में प्लस में, तो यहां से अपने को एक्स का ही वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे एक्स टेंस टू पाई बाय टू है, परफेक्ट है, तो यहाँ पे एच टेंस टू, अगर ये एक्स टेंस टू पाई बाय टू है तो एच टेंस टू यहाँ पे हमें जीरो लेना होगा। और यहाँ पे अब जो मेरा नया क्वेश्चन बनेगा, देखो कोसेक एक्स की जगह पे मैंने क्या किया है, देखो ये जो मेरा एक्स है ना, इसको मैंने एक्स का ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, देन माइनस वन ऐसी, और ये पूरे की जगह पे एच है तो मैंने यहाँ पे एच स्क्वायर लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो ले लेना क्योंकि ये मत लिखना। अब यहां पे दोस्तों आपको क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कभी भी अगर यहां पे पाई बाय टू आया तो कोसेक का सेक में कन्वर्जन होगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा सेक में, तो यहां पे दोस्तों कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक एच हो जाएगा माइनस वन, अभी के लिए इतना ही याद रखना, जैसे साइन का कॉस हो जाएगा टेन का कॉट होगा, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। देन यहां पे दोस्तों क्या होगा एच स्क्वायर, अगर मैं अभी जीरो पुट करता हूं एच का वैल्यू, अगर डायरेक्ट अभी पुट करता हूं तो भी आंसर जीरो आ रहा है, मतलब अभी भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना दोस्तों बताए, इसके बाद कभी भी अगर सेक वाला टर्म ऐसे दिखाई दिया कहीं पे भी लिमिट्स में तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, और सेक मतलब क्या होता है वन अपॉन, सेक मतलब क्या होता है दोस्तों वन अपॉन कॉस एक्स, और यहां पे आपने लिख दिया, आप जस्ट सेक का आपको फॉर्मूला पता है ना, सेक थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, ये वाला मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, अब देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं, वन वन सा वन, देन कॉस एच अपॉन, यहाँ पे दोस्तों नीचे भी क्या आएगा कॉस एच, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एच स्क्वायर। अब इसे मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, देखो यहाँ पे वन माइनस कॉस एच, और ये जो मेरा कॉस एच है इसे मैं नीचे ले रहा हूं इंटू एच स्क्वायर, फिर से मुझे पता चला कि यार लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, ये जो एच स्क्वायर है ना इसको इसके साथ दे दिया, और यहाँ पे ये कॉस एक्स को यहाँ पे ले लिया, ऊपर कुछ नहीं तो वन, इसी चीज को मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। अब आप फॉर्मूला तो आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा वन बाय टू, थोड़ा सा आप डायरेक्ट मत लिखना फॉर्मूला लिख के, एंड वन माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों कॉस एच, कितना आएगा दोस्तों एच का वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दो जीरो, तो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो वन बाय टू इंटू कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, फाइनली आंसर कितना है वन बाय टू। इतने मस्त तरीके से आप ये भी कवर कर लोगे, तो सोचो लिमिट्स कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कवर कर लोगे, अराउंड यहाँ पे 39 मिनट्स हुए हैं, बड़ा लेक्चर तो जाएगा थोड़ा सा। आप देखो इस वाले क्वेश्चन को भी वैसे ही करो, बस मेन इंटेंशन रखो, इसे आपको एच लेना है, पाई माइनस एक्स इक्वल टू एच लेना है, देन इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से x का वैल्यू निकाल दो, सभी वैल्यूज को पुट कर दो, सम सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पे ये रूट फॉर्म है तो आपको रूट वाला मैंने बताया, कॉन्जुगेट लेके सम सॉल्व करना है, तो वैसे भी आप कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद कुछ फॉर्मुलेज हैं, और यहां से अगर कोई भी आगे का पार्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा है, बस कोरोलरी आगे करो अच्छे से और फैक्टराइजेशन वाला पार्ट करो, बट यहाँ वाला पार्ट आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे कॉलेजेस में एक्सरसाइज नंबर 7.6 ही बस पढ़ाया जाता है, तो ये वाला एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से याद रखना। मैं वन बाय वन सभी फॉर्मूले को याद करा दे रहा हूं, देखो लिमिट ऑफ ये फॉर्मूला सबसे पहले याद करो, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, कहीं पे भी ए आया, ए मतलब नंबर, समझो यहाँ पे फाइव रेस टू एक्स सिक्स रेस टू एक्स ऐसा आया, तो डायरेक्ट आप इसे क्या लिख सकते हैं लॉग ए, ये फॉर्मूला कहीं भी होगा, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही सेम अगर समझो यहाँ पे ई आया, तो यहाँ पे ई आया तो यहाँ पे आंसर क्या होगा लॉग ई, और लॉग ई कितना होता है वन, तो इसलिए देखो इसका आंसर डायरेक्ट वन है दोस्तों। ये दो आपको याद हो गया, एक आप फॉर्मूला याद रखो, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स, देखो यहाँ पे जो एक्स है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे अगर रहा, तो अगर समझो यहाँ पे फाइव बाय टू एक्स है तो यहाँ ऊपर क्या होना चाहिए फाइव बाय टू का उल्टा क्या होता है टू बाय फाइव एक्स, तो अगर ऐसा कुछ रहा तो डायरेक्ट आप इसका आंसर ई लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले देखो, इतने फॉर्मूले में से मैं बोल रहा हूं ये दो याद रखो, ये तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा,
ये फॉर्मूला एक ही जगह यूज होने वाला है, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स, याद रखना यहां पे जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहां पे होना चाहिए, अगर समझो यहाँ 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, बाकी मत पढ़ो, बस इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हाँ, इसके पहले मैं कुछ चीजें और बता देना चाहता हूँ, कहीं पे भी अगर इस एक्सरसाइज में आपको ऐसा मिला ए रेस टू एक्स माइनस बी रेस टू एक्स, तो आप इसको ए रेस टू एक्स माइनस वन माइनस बी रेस टू माइनस वन लिखा करो, इसका मतलब वही होगा, क्योंकि ये देखो माइनस साइन अंदर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, तो ए रेस टू एक्स माइनस बी रेस टू एक्स ही होगा, तो ए रेस टू एक्स माइनस बी रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स माइनस वन माइनस बी रेस टू एक्स माइनस वन। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले लिमिट ऑफ, ये एक्सरसाइज तो सबको करके जाना चाहिए, बहुत सारे कॉलेजेस में यही एक्सरसाइज बस पढ़ाया जाता है लिमिट का। देखो मैंने लिख दिया ए रेस टू एक्स माइनस वन माइनस बी रेस टू एक्स माइनस वन, अब दोस्तों नीचे क्या है फोर रेस टू एक्स माइनस वन। अब इस फॉर्मूले में मिसिंग क्या है दोस्तों, ये एक्चुअल फॉर्मूला इसका है, नीचे एक्स मिसिंग है, बहुत इजी है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, तो यहां पे लिख दो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों लिमिट्स ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, अब देखो यहां पे ए रेस टू एक्स माइनस वन माइनस बी ए रेस टू एक्स नहीं आएगा नाइन रेस टू एक्स माइनस वन माइनस फाइव रेस टू एक्स माइनस वन। अब देखो डिवाइड बाय एक्स लिखा मैं, ये वाले को फॉर्मेलिटी वाइज लिख रहा हूं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 4 रेस टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स है। एक चीज हमेशा याद रखना लिमिट्स लेसन के लिए दोस्तों, दिल में बिठा लो एक चीज, कभी भी अगर यहां पे अगर प्लस और माइनस है तो एक ही एक्स में काम चल जाता है, पर वही अगर यहां मल्टीप्लीकेशन होता तो दोनों के लिए दो एक्स चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता, अगर प्लस और माइनस है तो दोनों को आप एक्स दे सकते हो, एक ही एक्स में दोनों, देखो अगर समझो प्लस और माइनस है, अगर समझो हम लोग एक ही फैमिली के पार्ट हैं, दोस्त हैं, प्लस है तो हम भाई एक ही बेंच में आराम से रह लेते हैं, पर अगर समझो मल्टीप्लीकेशन मतलब दोनों के बीच में कुछ मैटर है तो भाई वो अलग चाहिए, उसको उसको भी अलग चाहिए, तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो। देन यहाँ पे क्या आएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ आप डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप कर सकते थे, नाइन रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या फोर रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो गया। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा जो मैंने पीछे बताया है, कौन सा फॉर्मूला आपको पता है ये वाला, ये पहले फॉर्मूला लिखना अदरवाइज हाफ मार्क्स चले जाएगा। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों लॉग नाइन, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों लॉग फाइव, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों लॉग फोर। अब आप क्या करोगे इसके बाद, इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखोगे लॉग, देखो माइनस में है लॉग रूल पता होना चाहिए, माइनस में रहेगा तो हम डिवाइड में लिखते हैं, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा लॉग फोर। तो फाइनली आप अपने आंसर्स को इतना भी रख सकते थे, या चाहिए तो इसके बाहर लेके भी लिख सकते हो, पर इतना भी अपने आंसर्स को आप रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट भी हमने ले लिया है। अब देखो यहाँ पे ये कितना इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। देखो यहाँ पे माइनस थ्री है, तो एक बार आप क्या करो ए रेस टू एक्स माइनस वन ले लो, बी रेस टू एक्स माइनस वन ले लो, सी रेस टू एक्स माइनस वन ले लो, तीनों के लिए माइनस वन ले लोगे, और हमने तीन बार माइनस वन लिया तो प्लस थ्री से आप बैलेंस कर दो, और प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो बस ये वाला पार्ट बचेगा और नीचे साइन एक्स होगा, तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, तो एक साइन एक्स के लिए एक्स हो जाएगा तो इसका आंसर वन आएगा, और प्लस है तो मैंने बोला है प्लस या माइनस होगा तो एक ही एक्स में काम हो जाता है, फिर सबको एक एक एक्स दे दो एक ही एक्स में से, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो माइनस थ्री है इसमें से माइनस वन इसको दे दो, माइनस वन इसको दे दो, माइनस वन इसको दे दो, तो जिस तरह से आपको यह सम सॉल्व करना है पर करके जाना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बोला इस एक्सरसाइज पे अच्छे से मेहनत करके जाना है अगर आपके कॉलेज में ये एक्सरसाइज पढ़ाया होगा तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर आगे ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे। देखो ये सबसे पहले यहाँ पे एक्स है, मैं देखो फाइव रेस टू एक्स माइनस वन इसको लिख दे रहा हूँ,
देन यहां पे देखो 3x - 2x यहां पे लिख रहा हूं और नीचे x ऐसे ही है। अगर मैं इसे और आगे अच्छे से लिखूं लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, देखो ये 5x - 1 ये हमने लिखा, ये देखो ये आपको पता है a^(x - b^x) तर आपने बताया था a^(x - 1 - b^(x - 1) और नीचे क्या है x है, एक x है, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। देन उसके बाद जहां पे प्लस है वहां पे लॉग रूल ऑफ प्लस वाला मल्टीप्लीकेशन होता है और जहां माइनस है वहां पे क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं जानबूझ के करके दे दे रहा हूं। देखो सबसे पहले लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, देखो यहाँ पे क्या है 3x है, ये देखो ये माइनस में है, अगर मुझे इसे प्लस में लेकर आना है तो 1/2 मैं लिखूंगा, इंडाइसेस का रूल आपको पता होगा a^(-m) होता है, तो इसे मैं प्लस में लिखने के लिए a^(-m) लेता हूं। और यहां पे क्या है दोस्तों -2 और यहां पे क्या आएगा दोस्तों x tan x। अब ये होने के बाद आप क्या करोगे लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, अब क्या करोगे दोस्तों 3x से पूरे को मल्टीप्लाई करो। अब 3x * 3x क्या होगा 2 टाइम है तो स्क्वायर, और जहां पे 3x है उसे अपन लिखते नहीं है तो डायरेक्ट यहां पे 1 आएगा और यहां पे क्या आएगा 2 * 3x और यहां पे क्या होगा x into tan x। देन लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, अब ध्यान से, अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए यहां पे देखो ये 3x से स्क्वायर लिखा, देन ये वाला पार्ट लिखो -2 3x और देन इसके बाद +1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a² 2ab मतलब यहां पे कुछ नहीं तो 1 अपन ले सकते हैं और b² मतलब 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये उस फॉर्मे में चले गया। तो फाइनली अपन इसके बाद एक चीज क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद है a² - 2ab + b² विच इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। सब 7th-8th का एक खेल है दोस्तों, बस बेसिक लिमिट्स आपको पता होना चाहिए, बाकी 7th-8th के हिसाब से जाना है। आप देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा इसलिए मैं सब लिख के देता हूँ। a का वैल्यू कितना है 3x, b का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है और यहाँ पे हम क्या लेंगे होल का स्क्वायर। देखो मैंने इसे a और b के अंदर कन्वर्ट किया और होल स्क्वायर में दे दिया और नीचे गया दोस्तों x है और tan x है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर मुझे समझ में नहीं आता कि आप कब x से डिवाइड करते हो और कब आप x² से डिवाइड करते हो, मेरे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। या तो आप इससे दिमाग लगा लो, यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² कर दो, या तो आप इससे भी दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पे एक x है और इसके लिए एक x चाहिए, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों x² से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², तो फाइनली दोस्तों क्या होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3x - 1, चलो ये स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने x² से डिवाइड कर दिया, ये x * tan x इसे भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया दोस्तों x² से। अब अगर आप आगे आते हो, अगर आप ध्यान से अगर आगे देखते हो तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, अब ये इसे मैं होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ 3x - 1/x, दोनों का स्क्वायर एक साथ ले लिया और यहां से एक एक्स कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया 10x/x हो गया। अब दोस्तों इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूले के साथ लिखना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे आप डायरेक्ट log 3 का स्क्वायर लिखोगे और ये log 3 का स्क्वायर इस तरह से ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे गलती से इसको 2 आगे लाते हैं, कंफ्यूज मत रहना, जब अगर कभी log 3 का स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा, पर log 3 का होल स्क्वायर है तो 2 आगे नहीं आएगा, इंडाइसेस लॉगरिथम का रूल पता होना चाहिए। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये समझना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है 1/x है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल वाला टाइप है, तो सर समझ में आ रहा है कि उस टाइप का ये क्वेश्चन है। कौन से फॉर्मूले का दिखा दो सर, ठीक है वेट करो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये। अब यहां पे अगर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करो पता है 3 को कॉमन लो
या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये देखो अगर मैं चाहिए तो 3 को कॉमन ले सकता हूं, या तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूं, तो ये देखो मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं 3 से, और यहां पे भी अगर मैं 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं और होल रेस टू 1 बाय एक्स है, तो लिमिट ऑफ एक्चुअली कॉमन ही लिया जाता है, पर आप जैसे आपको करना है तो वैसे आप कर सकते हो। तो यहां पे अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे 1 आया और यहां पे क्या है x बाय 3 है, और यहां पे 1 और यहां पे भी क्या है x बाय 3, और यहां पे क्या है रेस टू में 1 बाय एक्स। क्यों मैंने डिवाइड किया, क्योंकि मुझे मेरे फॉर्मूले में स्टार्टिंग में 1 चाहिए था, ये देखो स्टार्टिंग में मेरे फॉर्मूले में क्या है दोस्तों 1 है, दिख रहा है स्टार्टिंग में मेरे फॉर्मूले में अगर 1 है तो मुझे क्या चाहिए दोस्तों 1 चाहिए, तो मुझे ये डिवाइड करना होगा। अब देखो जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये थोड़ा थोड़ा मेरे फॉर्मूले की तरह दिखने लगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं दोनों का 1 बाय एक्स अलग अलग कर दे रहा हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स अपॉन 3 1 बाय एक्स ऐसे दे दिया, और यहां पे भी क्या कर दिया 1 बाय, यहां पे मैंने क्या किया 1 बाय एक्स दे दिया। अब यहां पे दोस्तों आपको बैलेंस करना होगा, देखो यहां पे क्या है एक्स है, यहां पे भी एक्स नीचे है कोई दिक्कत नहीं, यहां पे 1 बाय 3 है, तो उस 1 बाय 3 का उल्टा क्या होगा 3 बाय 1, मतलब यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आना चाहिए था दोस्तों 3 आना चाहिए, और ये अगर आपने 3 लिया है, अगर आपने यहां पे 3 ले लिया, समझो यहां पे 3 बाय एक्स आना चाहिए था, देखो अगर समझो मैंने यहां पे 3 ले लिया, तो मैं ये 3 को बैलेंस किससे करूंगा दोस्तों 1 बाय 3 से, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर समझो ये 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जैसे अभी यहां पे मैं ले रहा हूं, यहां पे क्या दोस्तों 1 बाय, ये देखो 1 बाय 3 है तो उसका उल्टा क्या आएगा 3 बाय 1, और यहां पे मैं किससे बैलेंस करूंगा 1 बाय 3 से, पर याद रखना है माइनस भी है, अगर मैंने यहां पे माइनस लिया तो यहां पे माइनस 3 से भी बैलेंस करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में बिठा के रखना है। देन इसके बाद यहां पे क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहां पे ये पूरे पार्ट का जो ब्रैकेट के अंदर जो पूरा पार्ट है हमने पढ़ा है ना 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाय एक्स, अब यहां 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स बाय 3 था तो उसका उल्टा क्या आएगा 3 बाय एक्स, तो यहां पे देखो ना 3 1 जा 3 3 बाय एक्स दिख रहा है, तो ये पूरे पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा। यहां पे लिमिट अब लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखना, और यहां पे क्या है 1 बाय 3, और ये पूरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा, और यहां पे क्या आएगा माइनस 1 बाय 3। अब नेक्स्ट आपको इंडाइसिस के रूल के हिसाब से चलना है, तो यहां पे आप ई लिखोगे और ये 1 बाय 3 ये प्लस 1 बाय 3, तो फाइनली दोस्तों ई रेस टू 3 1 टाइम 1 प्लस 1 क्या 2 2 बाय 3। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है सॉल्व करना है, इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस और भी मैं दे दे रहा हूं, तो उस क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना चाहिए सॉल्व करना चाहिए। अब देखो इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस अगर मैं दे रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप बस क्या करना है इसमें इस एक्स को उधर भेज दो, पहले ये वाले को उधर भेज दो, फिर कॉमन अगर आप लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो 3, क्योंकि 3 3 नंबर्स है, कॉमन ले लो या तो डिवाइड कर दो 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 5x बाय 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x बाय 3 है तो जस्ट उल्टा उसका उल्टा ऊपर चाहिए 3 बाय 5 चाहिए, तो 3 बाय 5 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और वहां पे उसको फिर से बैलेंस कर दो 5 बाय 3 से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन दिया हो देखो ये क्वेश्चन भी, पहले आप क्या करो लॉग रूल अप्लाई करके फिर यही वाला मेथड अप्लाई करना, लॉग रूल में ये माइनस है तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, देन इसके बाद देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन जो कराया ना अभी 3 वाला, ये देखो ये देखो ब्लॉग ऐसे ही आप बाहर रखो और सेम अंदर सॉल्व करते जाओ, सेम देखो ऐसा अंदर मिलेगा और सेम उसको सॉल्व करते जाओ, और ये जो x है लॉग रूल के अकॉर्डिंग ये x ऊपर आ जाएगा, लॉग का रूल आपने पढ़ा होगा ना, अगर समझो ये 1 बाय एक्स है लॉग है यहाँ पे कुछ है तो ये 1 बाय एक्स यहाँ हम ऊपर ले सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर ले लेना, तो सेम उसकी तरह सम हो जाएगा, तो इसको भी ट्राई करना है या तो इसका सॉल्यूशन भी देख लोगे तो भी चलेगा, ये सेम ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस ये 1 आगे कर दो सेम हो गया, तो इसमें आपको कुछ कॉमन लेने की तो जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे 4x है उसका अपोजिट 1 बाय 4 से आपको बैलेंस करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये देखो ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना चाहिए, हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले पार्ट को बैलेंस करना, मतलब ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना,
तो मैं बस ऊपर वाले पार्ट को अगर सॉल्व करके आपको दे दूं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाना ही चाहिए सबको। अब देखो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, सबसे पहले 15 को मैं, यहाँ 5 और 3 दिख रहा है, तो 15 के टेबल में, नहीं 15 के टेबल मतलब 15 के मल्टीप्लीकेशन में 5 3 15 होता है, तो देखो रेस टू एक्स लिख दिया, ये 5 रेस टू एक्स है, ये 3 रेस टू एक्स है प्लस 1। बहुत अच्छे से ध्यान दो। अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ये 5 रेस टू एक्स है, ये क्या हो जाएगा 3 रेस टू एक्स, भाई दोनों को बांट दिया, भाई बोला तुम भी ले लो तुम भी ले लो, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेस टू एक्स, यहाँ पे प्लस 1। अब भाई दोनों में देखोगे तो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 5 रेस टू एक्स बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 3 रेस टू एक्स माइनस 1। यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा 3 रेस टू एक्स माइनस 1। देखो यहाँ पे मैंने माइनस 1 इसलिए लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने छोटी क्लास में छोटी मोटी यादों में पढ़ा है कि भाई जो 2 टाइम रहता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, और ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट से 1 बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x-1 इससे 1 बना दिया, एंड 3x-1 को 1 टाइम लिखा, तो आपने इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके ये कर लिया। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 रेस टू एक्स माइनस 1 और 3 रेस टू एक्स माइनस 1, और नीचे क्या है x इंटू साइन x। अब आगे आप सॉल्व कर लोगे, आगे आप सॉल्व कर लोगे, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, देखो ऊपर प्लस नहीं है मल्टीप्लीकेशन है, तो इसके लिए भी एक x चाहिए, इसके लिए भी एक x चाहिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, या तो नीचे से समझ लो भाई x है और साइन x है, तो दोनों के लिए चाहिए। इसका आंसर डायरेक्ट log 5 हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट log 3 हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट 1 हो जाएगा, तो log 5 into log 3 बस। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने चाहिए, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये वन शॉट वीडियो है, तो इसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कॉमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो आपको पता है a रेस टू एक्स माइनस b रेस टू एक्स, तो a रेस टू माइनस 1 b रेस टू माइनस 1 लेना है ब्रैकेट में, और बीच में माइनस लेना है। यहाँ पे देखो साइन c माइनस साइन d, ये जिसको इसका एक्सपांसन नहीं आता होगा, डिफ्रेंसिएशन में मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने लास्ट में सॉल्व करा है, उससे इसका एक्सपांसन देख लेना, देन इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 2 cos c + d / 2 × sin c − d / 2, इससे आप इसे एक्सपांड कर सकते हो। प्लीज उस वीडियो को तो आपको देखना ही चाहिए। देखो यहाँ पे सब कुछ क्लियर कट है, यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है कि एक्स क्यूब से। भाई देखो इसके लिए एक एक्स चाहिए, इसके लिए एक एक्स चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, तो समझ में आ रहा है कि एक्स क्यूब चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे इससे भी बता सकते हो कि भाई एक्स क्यूब से डिवाइड करना है, अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे। और फर्स्ट टाइम आप ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करा ही दिया। ये वाले क्वेश्चन में बस आपको क्या करना है दोस्तों, ये 25 है, इसको 5 का स्क्वायर लिखना है रेस टू एक्स, ये यहाँ पे 2 × 5x है और ये क्या प्लस 1 है। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को अल्टरनेट करना है, देन मैंने ये वाला सम इसकी तरह सॉल्व करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया ना स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ऐसा बन जाएगा, ऐसा वो बन जाएगा, फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर देना और फिर आगे उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज वो क्वेश्चन देखो, मैंने ज्यादा फोकस इस एक्सरसाइज पे किया है कि मुझे पता कि बहुत सारे कॉलेजेस में ये एक्सरसाइज कराया जाता है, और जितने सम्स मैं बता रहा हूँ अगर उसका अगर आपने 50% भी सॉल्व कर लिया तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी बन जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज में जो भी आपके कॉलेज में सम कराया होगा, लास्ट एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस एक चीज याद रखना, लास्ट एक्सरसाइज के सम को कैसे पहचानोगे, इन्फिनिटी सिंबल ऑफ इन्फिनिटी से आप पहचान लेना कि भाई ये लास्ट एक्सरसाइज का सम है। और यहाँ पे एक ही फंडा होता है, जो हाईएस्ट पावर है उससे अपन डिवाइड करते हैं। हाईएस्ट पावर से अगर हम डिवाइड करें तो अगर आप देखोगे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 7x² + 5x - 3 / x², और यहाँ पे क्या होगा 8x² - 2x + 7 / x². फाइनली अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 5x / x², ये क्या हो जाएगा 3 / x², ये क्या हो जाएगा 8 / x², एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x / x², देन 7 / x². और अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करूं तो आगे दोस्तों देखो ये क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी,
सेवन प्लस फाइव अपॉन एक्स, क्योंकि एक एक्स कैंसल, और यहाँ पे थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा टू अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या होगा सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे दोस्तों बस आपको क्या करना है, ये जो इंफिनिटी है जहां जहां पे एक्स है वहां पे पुट कर दो, और याद रखना वन अपॉन इंफिनिटी इसका आंसर, अगर यहां पे इंफिनिटी अगर मैं पुट करूं तो उसका आंसर जीरो आता है। तो यहां पे ये वन अपॉन इंफिनिटी अगर मैंने पुट किया तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा सेवन बाय एट। वैसे हम एमएसटी सीटी में ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज करते हैं कि अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वहीं पे इसका आंसर है। देखो ये जो हाईएस्ट पावर है उसके आगे वाला इसका आंसर है सेवन बाय एट। वैसे आप इसमें एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करके बता दो, हाईएस्ट पावर के आगे जो नंबर है उस जो कोएफिशिएंट है वही इसका आंसर है ए ही। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मैंने पूरे के पूरे हर टाइप के क्वेश्चन दोस्तों कवर करा दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे इस लेक्चर को देख लिया तो लिमिट्स आप अराउंड एक घंटे में कवर कर लोगे, एक घंटे में पूरा का पूरा लिमिट, और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है किसी भी टीचर्स के लिए इतना अच्छे से सब चीजों को कवर कराना। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वहां पे मैंने बहुत टाइम दिया, जहां पे कुछ चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था वहां पे मैंने टाइम नहीं दिया। बट इसके बाद अगर आप ये पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आप बुक उठाओ और सम सॉल्व करना स्टार्ट करो तो देखो आपको मैक्सिमम सम सॉल्व करने आएंगे, और मोस्टली क्वेश्चन पेपर में अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम सम्स आप सॉल्व करोगे। तो वीडियो के नीचे एक बहुत अच्छा कमेंट चलना चाहिए, देखो मैंने डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा दिया, लिमिट्स कंप्लीट करा दिया, अब आपकी जो मांग होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आऊंगा। हो सकता है मैं सर्कल कराऊं, स्ट्रेट लाइन, कुछ लोगों ने मेरे से डिटरमिनेंट और मैट्राइसिस मांगा था जो बहुत ही सिंपल लेसन है, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर बनाऊं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।